अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय खाकी अखाड़े में श्री गुरु पंचामृत नवम पुष्प अमृत महोत्सव 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक मनाया जाएगा। अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय खाकी अखाड़े में 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक श्री गुरु कृपा पंचामृत नवम पुष्प अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें श्री मारुति महायज्ञ श्री रामचरितमानस अष्टोत्तर शत 108 पारायण रूप जप महायज्ञ नव दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ श्री रामार्चन महायज्ञ श्री अन्नकूट महोत्सव 56 भोग एवं श्री वैष्णव आराधन ब्रह्म यज्ञ का भव्य आयोजन श्री विभूषित साकेतवासी श्री गुरुदेव भगवान रामदुलारे दास जी महाराज के नवम साकेतोत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु पंचामृत नवम पुष्प अमृत महोत्सव 27 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जो 5 जनवरी तक चलेगा। श्री गुरु पंचामृत के 5 पुष्प के रूप में पंच यज्ञ श्री मारुति महायज्ञ श्री रामचरितमानस अष्टोत्तर शत 108 पारायण रूप जप महायज्ञ नव दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ श्री रामार्चन महायज्ञ श्री अन्नकूट महोत्सव 56 भोग एवं श्री वैष्णव आराधन ब्रह्म यज्ञ का भव्य आयोजन होगा। अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय खाकी अखाड़े के श्री महंत अर्जुनदास खाकी ने बताया कि मंगलनाथ रोड स्थित अंकपात चौराह पर श्री राम जानकी मंदिर खाकी अखाड़े में श्री भगवान महाकाल की अध्यक्षता में श्री गुरु पंचामृत नवम पुष्पामृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के लिए मंदिर को पुष्पों तथा आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। वहीं भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। वही मां यज्ञ हेतु विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। महंत अर्जुन दास खाकी के प्रसादित मंत्र श्री गुरु कृपा ही केवलम के फल स्वरूप यह दिव्य पंच पुष्प श्री गुरुदेव रामदुलारे दास जी महाराज को समर्पित होंगे। ज्ञान यज्ञ कथा व्यास जगत गुरु रामानंदाचार्य वंशावतन श्री रामानंदा दास महाराज श्री धाम अयोध्या होंगे। यज्ञाचार्य पारायण व्यास मधुरेश अयोध्या मीणा राम दास छावनी होंगे। श्री एकादश कुंडात्मक नवदीसीय श्री राम मारुति महायज्ञ 27 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जो 4 जनवरी तक चलेगा, जो यज्ञाचार्य ज्योतिषाचार्य पंडित चंदन श्याम नारायण व्यास द्वारा संपन्न कराया जाएगा। 27 दिसंबर को प्रातः 8 बजे श्री राम घाट शिप्रा तट से शोभा यात्रा जल यात्रा नगर यात्रा निकलेगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई अंकपात रोड स्थित खाकी अखाड़ा पहुंचेगी। 21 संतों द्वारा जो श्री राम अयोध्या से पधारेंगे और श्री राम अर्चन श्री सीताराम जी का महापूजन होता है। अर्चन मतलब इसमें 1 क्विंटल पुष्पों से आहुति दी जाती है, गुलाब के पुष्पों से। और अन्नकूट महोत्सव 5 जनवरी को सभी संतों का पूरे भारतवर्ष से पधारेंगे, उनका सम्मान और भंडारा और पब्लिक का भंडारा, जिसमें अपना अनुमान है लगभग 30,000 लोगों को। कोई शोभा यात्रा वगैरह भी निकलेगी? हाँ, 27 दिसंबर 2021 प्रातः 9 बजे श्री राम घाट से शोभा यात्रा। 27 मतलब परसों? परसों, हाँ, जिसमें श्री धाम अयोध्या से पधारे श्री रामचरितमानस कथा कथाकार और हमारे यज्ञाचार्य श्री चंदन गुरु श्री श्याम नारायण व्यास, वो और जो पाठ के वो आए हैं सीताराम जी रामचरितमानस नवा पारायण के जो व्यास जी आए हैं, वो सब शोभा यात्रा